बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्रीपुरा नागौर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 8th क्लास विज्ञान विषय संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशों के बारे में पूरी जानकारी के वीडियो आ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम इनके बिना नहीं रह सकते। हर चीज़ आजकल प्लास्टिक की काम में आती है। पहले धातुओं की थी, धातुओं के बर्तन थे, उससे पहले मिट्टी के बर्तन थे, लेकिन आज अधिकतर जो बर्तन से संबंधित जो सामग्री है वो प्लास्टिक की आती है। तो हम पढ़ते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक बनता कैसे है? प्लास्टिक एक तरह का बहुलक ही है। संश्लेषित रेशे भी बहुलक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्लास्टिक भी एक बहुलक है संश्लेषित रेशों की तरह। तो संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। बहुलक को पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर है किसी कंपनी के नाम में यदि पॉलीमर जुड़ा हुआ रहता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके नाम में पॉलीमर जुड़ा रहता है, इसका मतलब उस कंपनी में प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण होता है। घर के अंदर प्लास्टिक की वस्तुएं आती है, उन पर कंपनियों के नाम भी होते हैं, तो कई वस्तुओं के ऊपर कंपनियों के नाम में पॉलीमर लिखा रहता है। आप ये गतिविधि अपने घर पर करना, किसी प्लास्टिक की वस्तु को जब खरीद कर लाते हैं तो उस पर कंपनी के नाम को पढ़ने की कोशिश करें, कंपनी का नाम पढ़ें, आपको उस कंपनी के नाम में पॉलीमर शब्द मिलेगा। तो संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर क्या है, बहुलक है। बहुलक क्या है बता चुका हूँ, छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर बनता है बहुलक। सभी प्लास्टिक में एक जैसी इकाइयाँ नहीं होती। हमने बहुलक के बारे में बड़ा पढ़ा, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी लंबी श्रृंखला बन जाती है जिसको बहुलक कहते हैं। तो इसी तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में एक जैसी इकाइयाँ नहीं होती। इकाइयों की जो व्यवस्था है एक जैसी नहीं होती। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की एक जैसी व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ इकाइयाँ का मतलब बहुलक है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर लंबी श्रृंखला बनती है वो बहुलक है। तो प्लास्टिक में भी बहुलक है, तो सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की एक जैसी व्यवस्था नहीं होती। कुछ प्लास्टिकों में इकाइयों की रेखीय व्यवस्था होती है। रेखीय व्यवस्था होती है। और कुछ प्लास्टिकों में क्रोशबद्ध
क्रोशबद्ध। ये इकाइयां एक दूसरे को क्रॉस करती है, इकाइयां एक दूसरे को क्रॉस करती है, क्रॉसबद्ध व्यवस्था होती है। तो रेखीय व्यवस्था क्या है, मैं यहां चित्र के द्वारा आपको समझाता हूं। रेखीय व्यवस्था, रेखीय व्यवस्था, इकाइयों की जो रेखीय व्यवस्था होती है वो इस तरह होती है, एक ही रेखा में इकाइयां होती है। ये इकाइयों की रेखीय व्यवस्था है, यानी इकाइयां एक ही रेखा में आगे बढ़ती है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है कि आगे भी ये इकाइयां है, इस लाइन का मतलब है कि इधर भी इकाइयां है, तो यहां पर ये रेखीय व्यवस्था कहलाती है। दूसरी है क्रॉसबद्ध अवस्था, क्या है क्रॉसबद्ध अवस्था, इसको तिर्यक अवस्था भी कहते हैं, तिर्यक व्यवस्था, तिर्यक व्यवस्था। तो तिर्यक व्यवस्था मतलब क्रॉसबद्ध अवस्था, तिर्यक रेखा क्रॉसबद्ध अवस्था। आपका चित्र मैं यहां थोड़ा नीचे लिख देता हूं, तिर्यक बद्ध अवस्था। तिर्यकबद्ध अवस्था में इकाइयां जो है वो क्रॉस में होती है, एक दूसरे को काटती है। ये इकाइयां आपने देखा है, सभी इकाइयां एक दूसरे को काटती है, क्रॉस हो रहा है, ये तिर्यकबद्ध इकाइयां कहलाती है। ये क्रॉसबद्ध अवस्था है, तिर्यकबद्ध अवस्था है। यहां इस निशान का मतलब है कि यहां पर भी इकाइयां है, ऊपर भी इकाइयां हैं, इस तरफ भी इकाइयां हैं, इसके नीचे भी आगे इकाइयां हैं और इधर भी इकाइयां हैं, इसको क्रॉसबद्ध अवस्था कहते हैं या तिर्यकबद्ध अवस्था कहते हैं। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक पॉलीथीन है, पॉली प्लस एथीन, जिसमें जिसका प्रयोग हम प्लास्टिक की थैलियों में निर्माण में काम आता है। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के प्रकार मुख्यतः प्लास्टिक के दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रकारों में पहले आता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक
प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक की बोतल, कंघी, इनको जब हम गर्म करते हैं तो ये नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। इनको यदि हम ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं, तो ये नरम हो जाते हैं और पिघल जाते हैं। तो जिस प्लास्टिक को गर्म करने पर नरम हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, आकार बदल देते हैं। गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं, विकृत यानी उनकी आकृति बदल जाती है। नरम हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जिसे कंघी, बालों को ठीक करने की कंघी, प्लास्टिक की बोतल, या मैं केवल बोतल लिख देता हूँ, बोतल, बाल्टी, कंघी, बोतल, बाल्टी, ये प्लास्टिक की कुर्सी, कुर्सी भी है प्लास्टिक की। इनको जब हम गर्म करते हैं तो विकृत हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, नरम हो जाते हैं, आकृति बदल देते हैं, आकार बदल देते हैं, पिघल जाते हैं। ज़्यादा गर्मी देने पर पिघल जाते हैं, कम गर्म करने पर आकृति बदल जाती है, विकृत हो जाते हैं। जैसे बालों को संवारने की कंघी, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की बाल्टी, कुर्सी, ये प्लास्टिक आता है थर्मोप्लास्टिक। दूसरा आता है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिनको हम गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं तो वो कठोर ही रहते हैं, आकृति में बदलाव नहीं होता। इस तरह के जो प्लास्टिक है, जिनको एक बार सांचे में डाल दिया, फिर चाहे उसको गर्म करें तो उनकी आकृति नहीं बदलती, यानी प्लास्टिक जिनको एक बार सांचे में डाल दिया, वे प्लास्टिक जिनको एक बार सांचे में ढाल देने पर यदि उन्हें गर्म करें, तो नरम नहीं होते, हैं। प्लास्टिक जैसे बिजली का स्विच है, बिजली का ऑन ऑफ करने का स्विच है, ये कई बार गर्म होता है, ये थर्मोप्लास्टिक है। कुकर के हत्ते, कुकर को पकड़ने का जो हत्ता होता है, बर्तन को पकड़ने का हत्ता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। तो जैसे स्विच बर्तनों के हत्ते, या कुकर के हत्ते, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के द्वारा बने हुए होते हैं।
तो बच्चों ये चित्र आपको बनाना है, रेखीय व्यवस्था का चित्र बनाना है, तिर्यकबद्ध अवस्था का चित्र बनाना है, प्लास्टिक के दोनों उदाहरण लिखने हैं, क्या कहते हैं कैसे कहते हैं प्लास्टिक का अर्थ लिखना है। आप सभी सुरक्षित रहें, धन्यवाद।